लगता है। ये है तस्वीर का सफर, और तस्वीर के सफर में हम आपको भारत के अलग अलग छोटे से छोटे कोने तक लेकर जाते हैं, घुमाते हैं। कोई ना कोई बहाना लेकर हम किसी ना किसी जगह की सैर पर निकल ही पड़ते हैं। और आज जहां मैं आपको लेकर जा रही हूँ वो भी कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे आपने शायद देखा हो, शायद ना भी देखा हो, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह है, ये मैं यकीन से कह सकती हूँ। गोवा अपने समुद्र तट, जी हाँ, गोवा, गोवा गोवा का नाम सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना। गोवा जो है वो अपने समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, मजेदार नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, टेस्टी सी फूड के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर जगमगाते हुए मार्केट्स भी हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। गोवा में एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेसेस हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज आप यहाँ कर सकते हैं, जिनके लिए एक दो दिन नहीं बल्कि अगर पूरा महीना भी यहाँ पर रहेंगे ना तो वो भी कम पड़ जाएगा। अगर आप अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ घूमने का प्लान कर रहे हैं ना तो गोवा जा सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह है आपको कि आप गोवा की बजाय साउथ गोवा अगर जाएंगे ना तो ये भी बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ की खूबसूरती आपको और भी ज्यादा मजेदार लगेगी। यहाँ आप जा सकते हैं जो कि है साउथ गोवा। साउथ गोवा में ना बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए, अलग अलग तरह के बीचेस तो हैं ही, इसके अलावा भी चर्चेस हैं, मंदिर हैं, बहुत कुछ है। सब कुछ बताऊंगी आपको इस सफर में, लेकिन उसके साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगी ना। और गीतों का सिलसिला अगर साथ साथ रहेगा तो इस सफर का मजा कई गुना बढ़ जाएगा। आज एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत आपके लिए चुनकर लाई हूँ। जुड़े रहिए आकाशवाणी गोल्ड के साथ, मैं आपके साथ आपकी दोस्त आचरिका, क्रिस्टल वॉइस 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है, मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है, दूर कहीं कोई दर्पण टूटे तड़प के मैं रह जाता हूँ, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। जिसकी करता हूँ तारीफ मैं जिसकी करता हूँ, क्या रूप है वो क्या खुशबू है, कुछ बात नहीं ऐसी कोई, ये एक सुरों का जादू है। कोयल की एक कूप से सबके मन में भूख उठाता हूँ, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ,
तस्वीरें कैसे बनती हैं, सुंदर होठों की लाली से मैं रंग रूप चुराता हूँ, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। दोस्तों, अगर आपने साउथ गोवा की यात्रा का मन बना ही लिया है तो चलिए हम आपको पूरी तरह से इस जगह की सैर करा देते हैं। दक्षिण गोवा में सबसे शानदार समुद्र तटों में से एक पालो लेम अपनी सुनहरी रेत और बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्शन वाली अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए इसे जाना जाता है, बहुत लोकप्रिय है। खूबसूरत समुद्र तट, लहराते ताड़ के पेड़ से भरी हुई ये जगह है जहां पर आप बहुत सारे एडवेंचर कर सकते हैं, और अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है तो आप यहां पर जा सकते हैं। बीच की साइड पर आप घूम सकते हैं। पोलोलेम बीच में आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। समुद्र तट के पास ही यहां पर बाजार भी है जो ज्यादातर शनिवार को लगते हैं, तो आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं, कैनोइंग ट्रैकिंग कर सकते हैं, डॉल्फिन स्पॉटिंग कर सकते हैं, साइलेंट डिस्को यहां पर आपको मिलेगा करने के लिए, योगा है, कायाकिंग है, स्कूबा डाइविंग है, टर्टल स्पॉटिंग है, और शॉपिंग के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका मन जीत लेंगी यहां पर, वो आप जरूर एंजॉय करें। इसके अलावा दक्षिण गोवा में दूध सागर वाटरफॉल्स एक जगह है जहां पर अगर आप जाते हैं तो ये आपको बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। ये मेन अट्रैक्शन है यहां का। पूरा जो इलाका है ये पूरा जंगलों से भरा हुआ है, घिरा हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत है, हरा भरा है। यहाँ पर 310 मीटर की करीब ऊंचाई से झरना गिरता है जो कि बहुत शानदार दिखता है, और इसीलिए इसे दूध सागर कहा जाता है। दूध सागर का अगर अर्थ देखें तो दूध का समुद्र है, और ये झरना देखने में आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे पहाड़ों से दूध के झरने गिर रहे हों, और बहुत ही ज्यादा ये आपको आकर्षित कर लेगा। मैं तो कहूंगी कि एक बार अगर आप गोवा जाएं तो इस जगह पर जरूर जरूर जाएगा क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा भी दक्षिण गोवा में बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, जैसे सेंट जेवियर चर्च है जो कि आपको देखनी चाहिए, और बहुत सारे लोग जो यहां पर जाते हैं वो इन जगहों पर जरूर जाते हैं। और चर्च की अगर बात करें तो गोवा की सबसे पुरानी चर्चों में से एक है ये, 1605 में इसे बनाया गया था, और ये वास्तुकला का एक अलग नायाब नमूना है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो पुरानी वास्तुकला आपको देखने के लिए बहुत खूबसूरत तरीके से यहां पर मिलेगी, और पर्यटकों की यहां पर भीड़ हमेशा रहती है। दिसंबर के वक्त में जब क्रिसमस का टाइम होता है तो यहां पर ज्यादा लोग पहुंचते हैं। वैसे गोवा में आप किसी भी समय जाएं, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं बताऊंगी आपको कि सही समय कब है जाने का, वो भी जरूर बताऊंगी। यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्चेस हैं, क्योंकि गोवा थोड़ा उस तरह का एक अंग्रेजी शैली उसमें नजर आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर मंदिर भी है जो कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत है के मंदिर। एक साउथ गोवा में ही तांबडी सुरला महादेव का मंदिर है, ये बहुत खूबसूरत दिखता है, और दूर से अगर आप इसे देखेंगे तो ये बहुत पुरानी नकाशी जैसा बना हुआ दिखेगा आपको। ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है, और मंदिर जैसा कि इसके नाम से पता चलता है भगवान शिव को समर्पित है, और हरे भरे जो यहाँ के जंगल है उनसे घिरा हुआ है। मंदिर के बारे में एक खास बात यह है कि कदम यादव वास्तुकला की शैली में ये बना हुआ है, एक ऐसी शैली जो
आपको भारत में हिंदू मंदिरों में अक्सर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको इस जगह की सैर जरूर करनी चाहिए, इस मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए, यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं, जैसे दक्षिण गोवा में कोलवा बीच की अगर मैं बात करूं तो ये उन परिवारों उन कपल्स के लिए है जो शानदार छुट्टी यहाँ पर मनाना चाहते हैं, इन बीचेस पर आप जा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे बीच हैं यहाँ पर जिनका मजा आप ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अलग अलग तरह की वाटर स्पोर्ट्स और इस तरह की एक्टिविटीज आपको यहाँ मिल जाएंगी करने के लिए, जिनका मजा आपको जरूर लेना चाहिए। यहाँ कई तरह के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं जिनमें आप स्ट्रीट फूड और ड्रिंक्स का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ पार्टी वाइब्स बहुत ज्यादा अलग है और आपको बहुत मजेदार लगने वाली है। वैसे यहाँ सिर्फ यही नहीं है, गोवा में बहुत कुछ है घूमने के लिए। और मैं आज क्योंकि आपको साउथ गोवा घुमा रही हूँ, दक्षिणी गोवा घुमा रही हूँ, तो ये अपने आप में खास है। क्यों खास है ये भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। फिलहाल तो मैंने आपको कुछ ही जगह बताई है जहाँ आप घूम सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको जाना चाहिए, बताऊंगी आपको लेकिन गीतों के साथ साथ। किसका रास्ता देखे है दिल ऐसौदाई, किसका रास्ता देखे है दिल ऐसौदाई, नीलों है खामोशी बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी फिर क्यों आग भराई, ओ किसका रास्ता देखे है दिल ऐसौदाई। साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा न बाहों में, तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला, झूठा भी नाता नहीं चाहों में, हाय तू ही क्यों डूबा रहे आहों में, कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं जो यूं ही जहां में बांटे पीर पराई, ओ किसका रास्ता देखे है दिल ऐसौदाई। बीती हुई रातों से मुझे क्या खोई हुई बातों से, सेज नहीं चिता सही जो भी मिले सोना होगा, गई जो तोरी छूटी हाथों से, ओ लेना क्या टूटे हुए साथों से, खुशी जहां मांगी तूने वहीं मुझे रोना होगा, ना कोई तेरा ना कोई मेरा फिर किसकी याद आई, ओ किसका रास्ता देखे है दिल ऐसौदाई, नीलों है खामोशी
बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों घर आई। हो दोस्तों, गोवा में यानी दक्षिण गोवा में घूम रहे हैं आप, और यहाँ पर एक और जगह है जिसे अंगोंडा बीच भी कहा जाता है। ये बीच है, बहुत खूबसूरत है, और अगर आप एकांत को पसंद करते हैं, आप खूबसूरत साफ सुथरे पानी, हरे भरे नारियल के पेड़ों को देखना चाहते हैं, तो आप इस जगह पर जा सकते हैं। ये जगह थोड़ी भीड़भाड़ से दूर है और यहाँ पर बहुत शांति आपको मिल सकती है। तो अगर आप शांति को पसंद करते हैं, आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए, तो आप इस जगह पर जा सकते हैं। अंगोंडा बीच जो है वो ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए भी बहुत खास जगह है। यहाँ पर वो अपना घोंसला बनाते हैं, अपनी घर बनाते हैं और वहां पर रहते हैं, इसलिए अगर आप लकी हुए तो आपको इनमें से कुछ प्यारे कछुए भी दिख सकते हैं। इस समुद्र तट की जो तटरेखा है, कैसुरिनास पेड़ों से और ताड़ के पेड़ों से बहुत अच्छे से कवर्ड है। आसपास बहुत सारे आपको पेड़ दिखाई दे जाएंगे। सुंदर कॉटेज है यहाँ पर और झोपड़ियों से सजी है ये जगह। आप दुपहिया या आपका कोई भी कार या जो भी आप इस तरह का ट्रैवल ट्रांसपोर्ट आप लेकर जा रहे हैं, उससे भी आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आप पूरे गोवा में आसानी से कैब किराए पर लेकर घूम सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है ये पालोलेम बीच से, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, तो आप इस जगह की यात्रा जरूर कीजिएगा। इसके अलावा तितली बीच भी है एक यहाँ पर, जो कि केनाकोना के दक्षिण भाग में स्थित है, और बटरफ्लाई बीच का नाम यहाँ पाई जाने वाली लाखों तितलियों की वजह से पड़ा है। ये जो समुद्र तट है, ये जो बीच है, ये तितलियों का घर कहा जा सकता है। यहाँ पर आप सैकड़ों लाखों तरह की अलग अलग तरह की तितलियां देख पाएंगे। अपने सिर पर, यहाँ की पहाड़ियों की चोटियों पर आप इन्हें उड़ते हुए देख पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक आधे वृत्त की शेप में बना हुआ समुद्र तट है, जो कि यहाँ पर न्यूली वेड कपल्स के लिए बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर लोग जाते हैं और नए नए शादी करने के बाद लोग यहाँ पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही कह सकते हैं कि रोमांटिक है, बहुत खूबसूरत है। तो आपको अगर कभी भी मौका मिले तो आप यहाँ जरूर जाएं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। बटरफ्लाइज यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अलग अनुभव देंगी, क्योंकि इसीलिए तो इसे बटरफ्लाई बीच यानी तितली समुद्र तट भी कहा जाता है। और यहाँ पर सिर्फ तितलियां ही नहीं, बल्कि आपको कभी कभी हो सकता है कि डॉल्फिन्स भी दिख जाए। तो यहाँ की जो एक खास बात है वो ये है कि यहाँ बहुत अलग अलग तरह के समुद्री जीव आपको मिल जाएंगे, जैसे कि केकड़े, मछलियां, बहुत खूबसूरत तरीके की जो आप ने शायद ही कभी देखी हो, वो भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पहुंचने के लिए आप बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाव की सवारी कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपने अभी तक इस जगह को नहीं देखा है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके साथ ही अगर मैं आपको आगे लेकर चलूं तो एक अवर लेडी ऑफ रेमेडियोज चर्च है, जो कि आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप पार्टीज और सर्फिंग करना पसंद करते हैं तो आपको इस जगह पर जाना चाहिए। 17वीं शताब्दी में जेसुइट्स द्वारा स्थापित की गई थी ये चर्च, शांति और बहुत ही खूबसूरत जगह के लिए जानी जाती है। और यहाँ की जो वास्तुकला है वो भी बहुत अलग है, आध्यात्मिकता से जुड़ती है आपको ये जगह। और इसके अलावा यहाँ पर चर्च का जो सफेद बाहरी हिस्सा है, हरे लॉन है यहाँ पर, वो बहुत अच्छे आपको लगेंगे, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी ट्रीट हो सकती है। चाहे तो आप यहाँ शांति के लिए भी जा सकते हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ रोमांच भी अनुभव कर सकते हैं। तो ये जगह भी आपके लिए एक खास खूबसूरत जगह हो सकती है। इसके अलावा यहाँ बहुत सी जगह है, लेकिन गीतों के साथ साथ बताऊंगी, ऐसे नहीं। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझे। Thank you.
ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। जहां भी जाएं सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड, क्योंकि अभी सफर में बहुत कुछ बाकी है। मोदी सरकार की गारंटी PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना, जिसके तहत वर्ष 2020 से 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और अब भारत सरकार अगले 5 वर्षों यानी कि 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। मुसीबतों की छुट्टी मोदी की गारंटी। इंजीनियरिंग बीएससी बीकॉम या कर रहे हैं एसएससी आईआईटी या यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी, श्योर शॉट सक्सेस के लिए यूट्यूब पर है एस चांद एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स। एस चांद 84 सालों का साथ। नमस्कार, कौन बनेगा दिल्ली का सुपर वोटर क्विज में आपका स्वागत है। लकी विनर्स को मिलेगा नेशनल वोटर्स डे पर ₹1000 तक कैश वाउचर जीतने का मौका। आज का सवाल, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो जवाब देने के लिए सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच में हमारे नंबर 01123918951 पर कॉल करें। दादू, आपका तारा मतलब बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बेल, मुझे मार मतलब मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब मेरी से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम की जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। और तस्वीर के इस सफर में आज मैं आपको ले चली हूं साउथ गोवा। तो साउथ गोवा में मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए जो आपको रोमांच से भर सकती है, जो आपको शांति दे सकती है, जो आपको खूबसूरत लग सकती है और एक अलग अनुभव दे सकती है। तो इन्हीं में से एक है श्री शांता दुर्गा मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इसकी समृद्ध संस्कृति और इतिहास का अनुभव करना चाहते हैं तो आप यहां जा सकते हैं। दक्षिण गोवा की सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है ये शांता दुर्गा मंदिर। 18वीं शताब्दी में इंडो पुर्तगाली वास्तुकला शैली में इसे बनाया गया था और ये मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। श्री शांता दुर्गा मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे मंदिर हैं। ये सभी मंदिर जो हैं वो कश्मीर के पत्थर से बने हुए हैं। इस मंदिर में सबसे खास बात ये है कि चीजों में से एक स्वर्ण पालकी है यहां पर, जिस पर देवी दुर्गा की मूर्ति को महापंचमी के त्योहारों के दौरान ले जाया जाता है। मंदिर में 5 मंजिला लैंप टावर और रोमन मेहराबदार खिड़कियां भी हैं पहाड़ी पर, जो मौजूद होने की वजह से इस मंदिर परिसर के आसपास का जो नजारा है वो बहुत खूबसूरत आपको देखने के लिए मिल सकता है। मंदिर का शांतिपूर्ण जो माहौल है, शांत वातावरण, इसे अध्यात्म से जोड़ता है। यहां पर आप आत्म निरीक्षण कर सकते हैं, अपने आप को शांति का अनुभव करा सकते हैं और चिंतन कर सकते हैं। एक बहुत अलग अनुभव आपको यहां पर मिल सकता है, इसलिए आप वास्तुकला की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व की सराहना करते हुए यहां पर पहुंचेंगे और आप इस जगह को देखेंगे तो ये अपने आप में एक अलग अनुभव होगा। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा भी यहां पर बहुत कुछ है, जैसे भारतीय नौसेना विमानन संग्रहालय है यहां, जो कि बहुत ही अलग है और इतिहास प्रेमियों के लिए ये एक खास जगह हो सकती है। और ये स्थित है दक्षिण गोवा के मोरमू गांव जगह पर।
यहाँ भारत में नौसैनिक विमानन के विकास और महत्व को प्रदर्शित किया जाता है। 1998 में स्थापित किया गया था इसे, और इस संग्रहालय में इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की एग्जीबिशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिनमें जो भी सेवा मुक्त विमान है, रिटायर्ड विमान है, हथियार है, पुराने दस्तावेज हैं, तस्वीरें हैं, उन सबको यहाँ पर दिखाया गया है। और इस संग्रहालय में सबसे खास बात यह है कि विमान इजेक्शन सिस्टम और लाइफ राफ्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये उड़ान और उसके पीछे की तकनीक के बारे में जानने के लिए एक अनोखा अनुभव आपको मिल सकता है यहाँ पर। और इसके साथ ही संग्रहालय में कॉकपिट कैफे नाम की एक जगह है, ये कैफे है जहाँ आप आराम कर सकते हैं, चाय कॉफी ले सकते हैं। और यहाँ एक स्मारिका दुकान विमानन से संबंधित है, जो कि यहाँ से आप अलग अलग तरह की चीजें खरीद सकते हैं जो आपको पसंद आए। मिनी थिएटर संग्रहालय भी है यहाँ पर, जो कि बहुत एक अलग अट्रैक्शन है। यहाँ पर आने वाले लोग नौसैनिक विमानों पर छोटी छोटी फिल्में और इस तरह के शॉर्ट फिल्म्स जो यहाँ पर दिखाई जाती हैं वो देख सकते हैं। बच्चों के साथ, परिवार के साथ आप यहाँ पर दोपहर का समय बिता सकते हैं। इतिहास जानने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। इसके अलावा क्या क्या है वो भी बताऊंगी मैं आपको गोवा में, लेकिन गीतों के साथ साथ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
दोस्तों अगर आप दक्षिण गोवा जा रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर, तो एक जगह है, मार्गों में मौजूद है ये, और काबुटी रामा बीच के नाम से जानी जाती है। दक्षिण गोवा का एक खूबसूरत स्वर्ग इसे कहा जा सकता है। एकांत समुद्र तट हरे भरे नारियल और ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। अगर आप परिवार के साथ पिकनिक की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अकेले में समय बिता सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है ये। समुद्र तट के सामने एक पुराना किला है जो काबुटी रामा का बहुत ही अनोखा सीन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत खूबसूरत सीनरिक व्यू आपको यहाँ दिखेगा। गोवा के सबसे पुराने किलों में गिना जाता है ये किला, खास रूप तौर पे या खास रूप से कहें तो पुर्तगालियों ने इसे बनाया था। समुद्र के किनारे पर टहलते हुए आप यहाँ बहुत सारी तस्वीरें ले सकते हैं। काबुटी रामा बीच के किले के साथ कई ऐतिहासिक कहानियां और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम और उनकी पत्नी सीता अयोध्या से अपने वनवास के दौरान इस किले में रुके थे, इसी वजह से इस समुद्र तट का नाम काबुटी रामा रखा गया था। भले ही आप इन कहानियों को ना माने, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर आपको इन पर विश्वास हो ही जाएगा। इसकी सुंदरता यहाँ पर बहुत ही अलग है और इसे पहुंचने के लिए आप यहाँ बाइक या कैब का इस्तेमाल करके पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा अलग है ये, अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसके साथ ही कोला बीच एक जगह है जिसे खोला बीच के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गोवा का एक छुपा हुआ कह सकते हैं इलाका है ये, और केनाकोना क्षेत्र में स्थित है। सुनहरी रेत वाला समुद्र तट ज्वालामुखी पत्थरों से भरा हुआ है। समुद्र तट पर अगर ज्यादा लोग नहीं आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉर्मल रास्ते से हटकर है, एक अलग रास्ता है। यहां पर ऊंची ऊंची घनी पहाड़ियों के बीच में ये छिपा हुआ है, और इस तक पहुंचने के लिए आपको पहले चट्टानी इलाके का एक अच्छा हिस्सा पार करना पड़ता है। कोला बीच को ट्रैकर्स और जो भी एडवेंचर पसंद लोग हैं उन्हें काफी अट्रैक्ट करती है ये जगह, तो उन्हें जरूर यहां पर जाना चाहिए। कोला बीच जो है वो उत्तरी कोला और दक्षिण कोला में दो इलाकों में बांटा गया है, और इन दोनों को एक पहाड़ी अलग करती है जो एक नदी से मिलती है, जिसे इसके साफ हरे रंग के वजह से जाना जाता है, ब्लू लेगून और एमराल्ड लेगून के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। और ये बहुत अलग जगह है, इसे भी आपको देखना चाहिए। शांति के लिए, तैराकी के लिए बहुत खास है यहाँ ये जगह। धूप सेकने के लिए बहुत अच्छा है। सूर्यास्त के दौरान यहाँ पर एक अलग अनुभव आपको मिल सकता है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। वैसे तो गोवा में बहुत सारी जगह है, दक्षिण गोवा में तो अपने आप में बहुत सारी जगह है जो आपको देखनी चाहिए, लेकिन अगर ये बात करें कि एक छोटे से सफर में मैं आपको ये सारी जगह घुमा पाऊं तो बहुत मुश्किल होता है। अगर आप दक्षिण गोवा में हैं तो यहाँ की जो स्थानीय चीजें हैं उन्हें खरीदना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे मार्केट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप हाथ से बनाई हुई चीजें, ज्वेलरी और बहुत सारी अलग अलग तरह के फेनी, काजू, बहुत अलग अलग तरह की स्वादिष्ट चीजें खरीद सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप समुद्र तटों की यात्रा पर जा रहे हैं तो धूप के चश्मे आप ले जा सकते हैं, सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं, और इसके अलावा बच्चों को समुद्र की लहरों से थोड़ा संभाल कर रखें, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर आप उनके साथ रहें, सावधानी अपनाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है ये यात्रा। लेकिन समुद्र के किनारों से थोड़ा सा आप सावधान रहें, बच्चों को उन्हें अकेला ना छोड़ें, और इस चीज का आप खास ध्यान रखें कि यहाँ पर आप गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी है ना उसे हम ही लोग खराब करते हैं। अगर हम ऐसी जगहों पर जाते हैं और वहां गंदगी फैला देते हैं तो इनकी खूबसूरती हम ही खराब करते हैं, और फिर हमें ही अच्छा नहीं लगता यहाँ पर जाना, इन्हें देखना। तो इस चीज का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। अपने कैमराज को साथ लेकर जाइए, और इसकी खूबसूरती जितनी आपको पसंद आती है, जितना तस्वीरें लेना आप पसंद करते हैं, उतना ही दूसरों को भी। तो इसे लौटते वक्त गंदा करके बिल्कुल मत लौटें, इस जगह को साफ सुथरा रहने दें। यहाँ का जो इतिहास है वो भी काफी अलग है। गोवा के इतिहास की बात की जाए तो 1510 में पूरे गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। इस उपनिवेश का विस्तार पुर्तगालियों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच किया था। स्वतंत्रता के बाद 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय किया, और उसके बाद गोवा को भारत में शामिल कराया गया था। 1987 में जब गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, तब उसे दो जिलों में बांट दिया गया, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। दक्षिण गोवा में गोवा का ज्यादातर दक्षिणी भाग आता है, और ये जो जगह है जहां आज हम घूम रहे हैं ये वही हिस्सा है जिसके बारे में मैं आज आपको घुमा रही हूँ, बात कर रही हूँ। अगर बात करें गोवा की तो यहाँ और भी बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, दक्षिणी गोवा में जरूर बताऊंगी। इस गीत के बाद जुड़े रहिएगा इस सफर में मेरे साथ।
कहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए। ये दिल और उन निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं, बाहों के साए मुझे घेर लेते हैं, बाहों के साए। सैर कर रहे हैं हम दक्षिणी गोवा की। कोंकणी, मराठी, पुर्तगाली, हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। टैक्सी, बस, मोटरबाइक, आप हर तरह के वाहन का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और पहनावे की अगर बात करें तो यहाँ की महिलाएं नववारी नाम की एक साड़ी के अलावा एक पानो भाजू नाम का एक पारंपरिक पोशाक भी पहनती हैं। इसके साथ यहाँ की महिलाएं चमकदार गहने पहनती हैं, उन्हें पसंद करती हैं। कैथोलिक महिलाओं की अगर बात करें तो ज्यादातर गाउन पहनना पसंद करती हैं। यहाँ के जो पुरुष हैं वो कोली, मछुआरे रंगीन शर्ट, हाफ पैंट और सर पर बांस की छाल से बनी हुई टोपी पहनते हैं। गोवा के खान पान की अगर बात करें तो गोवा का जो खास भोजन है वो मछली करी और चावल है, यानी फिश करी और राइस। समुद्र के पास होने की वजह से यहाँ पर सी फूड बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ अगर आप ताजा सी फूड ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर मिलने वाला खाना जो है वो कोंकणी, ब्राजील और पुर्तगाली भोजन शैलियों का एक मिला जुला मिश्रण आपको दिखेगा यहाँ पर। मछली के अलावा गोवा में रहने वाले लोग जो है वो नॉनवेज खाना बहुत पसंद करते हैं, तो अगर आप भी ऐसा कुछ खाना चाहते हैं तो इस जगह पर आपके लिए बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। अब आपको बता दूं जल्दी से कि पहुंचना कैसे है गोवा। तो अगर आप बाय एयर यहां पर पहुंचना चाहते हैं हवाई मार्ग से, तो दक्षिण गोवा पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है डाबोलिम हवाई अड्डा, जो कि यहां से यानी दक्षिण गोवा में स्थित मडगांव की दूरी जो है वो लगभग 29 किलोमीटर है। इसके आगे जाने के लिए जो यहां पे लोग पहुंचते हैं या आप पहुंचे तो टैक्सी और बस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रेलवे मार्ग की अगर
में बात करूं यानी बाय ट्रेन अगर आप जाना चाहें तो दक्षिणी गोवा में दो बड़े रेलवे स्टेशन हैं, एक वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन और दूसरा मडगांव रेलवे स्टेशन। दोनों ही स्टेशनों के लिए अलग अलग शहरों से आपको सीधी ट्रेन मिल जाएंगी, तो आपको ये भी बहुत आसान रूट होगा। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं बाय रोड अगर आप जाना चाहें तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज आपको मिल जाएंगे जो कि 17, 17A, 14A, NH17, NH17A और NH4A, इनके जरिए अलग अलग शहरों से ये जगह जुड़ी हुई है, तो आप यहाँ पर इनके जरिए जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और नवंबर से मार्च के महीने में अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो सबसे अच्छा समय है ये घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नए साल और क्रिसमस की बहुत धूम होती है। हालांकि पीक सीजन होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी आपको ठहरने के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप पहले से बुकिंग कराकर जाएंगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जून से अक्टूबर के महीने जो होते हैं वो यहाँ पर बरसात होती है, समुद्रों में काफी उफान होता है, लेकिन आप बारिश के दौरान समुद्र के किनारे अगर आप ना जाएं और अगर आप ऐसा शौक रखते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानियों के साथ। और इसके अलावा आपको थोड़ी सी यहाँ पर रहने के लिए भी जगहों में थोड़ा कंसेशन इस वक्त मिल जाता है। तो ये तो हुई आज दक्षिण गोवा की बात। वैसे तो सफर में बहुत कुछ था बताने के लिए, लेकिन वक्त मेरे पास अब नहीं बचा है कि मैं ज्यादा कुछ आपको बताऊं। फिलहाल एक गीत सुनते हैं और फिर मैं आपसे लूंगी विदा। जुड़े रहिए आकाशवाणी गोल्ड के साथ। Oh,
सफर में तो इतना ही, लेकिन फिर किसी रोज आपसे मुलाकात जरूर होगी और किसी और नए सफर के साथ। इस वादे के साथ अभी तो मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलूंगी जरूर किसी और रोज आपसे कुछ ही देर में आपके साथ एक और नई पेशकश लेकर। रहेंगी हमारी को एंकर, या यूं कहूं कि हमारी दोस्त।